ಎಸ್ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಇದೀಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ತಕ್ಕ ಆವಾಜ್ ಪಹಂಚನಿ ಚಾಹಿಯೇ, ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ದೋನೋ ಹಾಥ್ ಉಠಾಯಿಯೇ ಔರ್ ಜೋರ್ ಸೆ ಬೋಲಿಯೇ ಪ್ರಚಂಡ ಆವಾಜ್ ಸೆ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान येदियुरप्पा जी, मेरे साथ मंच पर उपस्थित कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भाई गोविंद करजोल जी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री श्री अश्वथ नारायण जी, मेरे साथ मोदी जी की मंत्रिपरिषद में साथी और मेरे मित्र श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई जी, यहां के ही वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री कर्नाटक सरकार श्रीमान ईश्वरप्पा जी, यहां के लोकप्रिय और युवा सांसद श्रीमान राघवेंद्र जी, भद्रावती के विधायक संगमेश्वरा जी, और आज जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है ऐसे डीजी सीआरपीएफ डॉक्टर एपी महेश्वरी जी, सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री आरएम मीणा जी, और मैं ढाई तीन घंटा लेट होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित शिवमोग्गा और भद्रावती के सभी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स की 97वीं बटालियन का आज यहां पर शिलान्यास हुआ है। मैं गृह मंत्री बनने के बाद लगभग दो तीन महीने में ही श्रीमान येदियुरप्पा जी का एक पत्र आया था कि शिवमोगा में अगर आरएएफ की स्थापना होती है तो कर्नाटक सरकार भूमि देने के लिए तैयार है और आप यहां पर आरएएफ की स्थापना करिए। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं गृह मंत्रालय की ओर से कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, हमें भूमि दी, और आज आनंद का विषय है कि उनकी उपस्थिति में यहीं पर शिलान्यास हुआ है और यहीं से ये पूरे दक्षिण भारत गोवा तक ये आरएएफ की जो बटालियन बनने जा रही है 97वीं, वो पूरे दक्षिण भारत और गोवा तक के क्षेत्र के अंदर शांति स्थापना के लिए हमेशा जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। लगभग 230 करोड़ की लागत से यहां पर जो निर्माण होने जा रहा है, लगभग 50 एकड़ भूमि कर्नाटक सरकार ने दी है और यहां पर इसके प्रशासनिक भवन भी बनेंगे, कर्मियों के निवास के केंद्र भी बनेंगे, अस्पताल भी बनेगी, केंद्रीय स्कूल भी खुलेगा और खेलकूद के स्टेडियम भी हम यहां पर बनाने वाले हैं। मैं शिवमोग्गा जिले और भद्रावती के लोगों को कहना चाहता हूं कि यहां पर जो केंद्रीय स्कूल खुलेगा और जो खेलकूद के लिए स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम्स बनेंगे, इसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इसका फायदा भद्रावती की जनता भी ले सकती है और आप लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। मित्रों, आज इस शिलान्यास के साथ ही एक आरएएफ का नया अध्याय 97वीं बटालियन के रूप में यहां से जोड़ा गया है, मगर आज का दिन
एक दूसरी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पूरा विश्व लगभग एक साल से ज्यादा हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कई लोगों की पूरी दुनिया में जाने गई है, कई लोगों को शारीरिक क्षति उठानी पड़ी है, और ये कोरोना के खिलाफ जंग शायद अब तक के इतिहास में मानव जात के सबसे कठिन जंग थी। मगर मुझे कहते हुए आनंद है कि पूरे विश्व में सब जगह सब लोग अपनी अपनी तरीके से कोरोना के वायरस के खिलाफ एक जंग लड़े हैं। समग्र मानव जात में इकट्ठा होकर अपनी शोध, अपने इनोवेशन, अपनी जितना भी ज्ञान था उसको परस्पर सहयोग से देते हुए इस जंग को लड़ा है। मगर मुझे कहते हुए आनंद है कि भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ सबसे सफल जंग दुनिया में अगर कहीं लड़ी गई है तो भारत में लड़ी। जब कोरोना का वायरस आया, फैलने लगा, दुनिया भर के हेल्थ क्षेत्र के अंदर काम करने वाले विद्वान चर्चा कर रहे थे कि कुछ देशों की क्या स्थिति होगी। हमारे देश का भी उसमें नाम शुमार था, क्योंकि आबादी हमारी 130 करोड़ से ज्यादा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। मुझे बरोबर याद है उस वक्त सिर्फ एक लैबोरेटरी थी जो कोरोना का टेस्टिंग कर सकती थी, आज 2000 से ज्यादा लैबोरेटरी कोरोना का टेस्टिंग कर लोगों के लिए सुविधा कर रही है। और पूरे दुनिया भर में चर्चा था कितनी बड़ी आबादी वाले देशों के अंदर क्या स्थिति होगी। मगर आज जब टीका भी शुरू हो गया है तब पीछे मुड़कर देखते हैं तो विश्व के सभी आंकड़ों का अभ्यास करने से मालूम पड़ता है कि सबसे कम प्रतिशत मौतें अगर कहीं हुई है तो अपने भारत में हुई है, और सबसे ज्यादा लोग अच्छे होकर अपने परिवार में गए हैं तो भारत में गए। लड़ाई जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम लड़े हैं, वो लड़ाई की सफलता का मूल मंत्र क्या है? मोदी जी का दीर्घ दृष्टिपूर्ण नेतृत्व तो है ही, ऊर्जावान नेतृत्व तो है ही, राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों ने भी इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से सहयोग किया। मगर दुनिया का कोरोना के खिलाफ लड़ने का तरीका और भारत के तरीके में अंतर है तो एक ही अंतर था, दुनिया में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी और भारत में सरकारें तो लड़ी ही मोदी जी के नेतृत्व में, इसके साथ साथ 130 करोड़ की जनता भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़कर यशस्वी होकर हम बाहर निकले हैं। सबको साथ रखने का ये जो पद्धति है, सबको साथ रखने का ये जो संस्कार मोदी जी ने पूरे कर्मचारियों के अंदर भरा है, इसके कारण ही हम सफल हो गए। और मित्रों, आज हम सब भारतवासियों के लिए आनंद का विषय है कि अपने ही देश में बने हुए दो वैक्सीनेशन के माध्यम से लड़ाई को हो हम अंतिम चरण में ले जाने में सफल हुए हैं। आज सुबह ही मोदी जी ने वर्चुअल तरीके से ये टीकाकरण की वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करी। कर्नाटक के अंदर भी 3000 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं और आज 3000 सेंटरों पर टोकन रूप से शुरुआती दिन होने के कारण 100-100 लोगों को टीका लगाया जाएगा, मतलब 3,00,000 लोगों को आज टीका लगाया जाएगा और कल से ये गति 5 गुना और बढ़ेगी। मित्रों, भारत सरकार ने तय किया है कि सबसे पहले टीका किसको लगेगा, तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो अपने जान की परवाह करे बगैर कोरोना के खिलाफ लड़ते रहे, कई लोग कोरोना ग्रसित भी हुए, कई लोगों की मृत्यु भी हुई, मगर जान की परवाह करे बगैर लोगों की सेवा करते रहे, हमारे सुरक्षा कर्मी जिन्होंने भी फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह इसका सामना किया, कई सारे सुरक्षा कर्मी और राज्य के पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है, ढेर सारे यातायात से जुड़े हुए लोग, सफाई कर्मचारी, ये सब ने अपने जान की परवाह करे बगैर कोरोना के खिलाफ लड़ाई के अंदर उन बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका अधिकार बनता है कि सबसे पहले टीका उनको लगाया जाए। मगर कुछ लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देखते हैं, फैलाने का प्रयास कर रहे हैं,
मैं मानता हूं कि टीका लगाने का सबसे पहला अधिकार उन लोगों का है जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन वॉरियर की उपलब्धि फ्रंटलाइन वॉरियर करके अपनी सेवाएं दी है और इसको उपलब्धि को दर्ज कराने में बड़ा योगदान दिया है। मित्रों, कर्नाटक राज्य के अंदर भी लगभग 14 लाख टीके का खुराक आ गया है। मुझे विश्वास है कर्नाटक पुलिस के भी सभी 90,000 पुलिसकर्मी और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द ही टीका लगाया जाएगा। मित्रों, आज आरएएफ की हम स्थापना कर रहे हैं और सीआरपीएफ जिसके अंतर्गत रैपिड एक्शन फोर्स काम करती है, इसके डीजी माहेश्वरी जी को भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि 92 से शुरू की हुई यात्रा आपने सफलतापूर्वक यहां पर करें। मित्रों, मोदी जी की सरकार आने के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति पर ढेर सारा ध्यान दिया गया। वैसे तो कानून और व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर राज्य का विषय है, मगर 2018 में 5 नई बटालियनें सीआरपीएफ की बनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया और उसको एक विशिष्ट प्रकार से ट्रेनिंग की भी अलग से व्यवस्था करने वालों का काम किया। लगभग हमने जो संस्था बनाई है ट्रेनिंग के लिए और ये ट्रेनिंग की संस्था ने ढेर सारे राज्य के पुलिस कर्मियों और आर्मी के भी जवानों को इसकी स्पेशल ट्रेनिंग देने का काम किया है। चाहे पुरी की जगन्नाथ यात्रा हो, चाहे अहमदाबाद की जगन्नाथ यात्रा हो, चाहे सबरीमाला के अंदर कुंभ होता हो, चाहे इलाहाबाद के अंदर कुंभ होता हो, हरिद्वार के कुंभ होता हो, रैपिड एक्शन फोर्स का जवान अपने नीले कलर के कपड़ों के साथ खड़ा होता है तो सब महिला बच्चे बूढ़े सभी नागरिकों को आश्वस्तता होती है कि अब यहां पर दंगा नहीं हो सकता, यहां पर स्टैम्पेड नहीं हो सकता। और ये जो विश्वसनीयता खड़ी हुई है, एक भरोसा लोगों का कमाया है, वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने अपने कर्म के आधार पर, अपनी एक्सपर्टी के आधार पर करा है। और इसी का परिणाम है कि आरएएफ के अंदर यूएन मिशन ने भी रैपिड एक्शन फोर्स को स्पेशल निमंत्रित किया। 2006 में हमारी 125 महिला कर्मी अफ्रीका और लाइबेरिया में गई और शांति मिशन का हिस्सा बनी, और भी जवान गए और मुझे कहते हुए गर्व है कि वहां पर भी सबसे अच्छा काम करने का सर्टिफिकेट अगर दुनिया भर में किसी को मिला तो आरएएफ के जवानों को मिला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीआरपीएफ ने बहुत सारे लोगों को जोड़ने के भी अभियान चलाए। सीआरपीएफ ने गांधी जी की 125वीं जयंती पर एक साइकिल अभियान चलाया, गांधी आश्रम से लेकर दिल्ली तक 27 मेडिकल कैंप लगाए, 87 से ज्यादा छोटे बड़े जल तालाबों का पुनरुद्धार किया और ये सारा सीआरपीएफ के तहत आरएएफ के माध्यम से किया गया। मित्रों, सीआरपीएफ हमारा सबसे बड़ा बल है, 3.5 लाख जवान इसके अंदर काम करते हैं और इसकी स्थापना हम सबको जिसके प्रति अपार सम्मान है, ऐसे लोह पुरुष देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई ने 1950 में की। और जब से सीआरपीएफ की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक, चाहे आसाम के अंदर अशांति फैली हो, चाहे कश्मीर के अंदर अशांति फैली हो, चाहे कहीं दंगा हुआ है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जरूरत पड़ी है, चाहे तमिलनाडु के अंदर जरूरत पड़ी है, इंसर्जेंसी के खिलाफ, नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ अगर लड़ना हो, बस्तर के जंगलों में जाना है, आंध्र और तेलंगाना के जंगलों में, महाराष्ट्र के जंगलों में जाना है, तो हर जगह देश की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ का जवान प्रथम प्राप्ति होती है। उसकी पहली पंक्ति में अगर आप किसी को देखेंगे तो सीआरपीएफ के जवान देखें। मित्रों, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे कोई बहुत बड़ा साइक्लोन आया हो, हमारे सीआरपीएफ के जवान जनता के कंधे से कंधा लगाकर रहते हैं और आज 250 से ज्यादा बटालियन और 3.25 लाख से ज्यादा जवानों का एक कार्यबल देश के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा,
और देश की जनता के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमेशा आगे बढ़ा है। और मित्रों, मुझे कहते हुए गर्व है कि जहां पर भी जान देने का, सर्वोच्च बलिदान देने का भी जरूरत पड़ा, सीआरपीएफ का जवान कभी पीछे नहीं आया, देश की रक्षा के लिए हमेशा अग्रता से गया। हम देखें तो कुल मिलाकर देश में देश की आजादी के बाद लगभग 34,800 से ज्यादा पुलिस कर्मी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपने बल जान की आहुति दी। मित्रों, हम पुलिस को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, कुछ पिक्चरों के अंदर जो छवि बनी है, मगर उनके जितना कठिन जीवन शायद ही कोई जीते, उनकी ड्यूटी के कोई घंटे नहीं होते। आप बैंक के कर्मचारी हो गए तो 10 से 5 कर 5:30 बजे आपके बच्चों के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके माता पिता के साथ पहुंच सकते हो। पुलिस के जवान को छुट्टी नहीं है। रक्षाबंधन के दिन आप अपनी बहन के साथ, आप आपके भाई के साथ आराम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हो, होली दीपावली, मगर यहां पर छुट्टी नहीं, उस दिन विशेष ड्यूटी होती है उनकी। एक मैं गृह मंत्री नाते कहना चाहता हूं कि सबसे कठिन ड्यूटी अगर कोई निभाता है सभी सरकारी कर्मचारियों में, तो वो पुलिस का जवान है। और मित्रों, न स्वास्थ्य की चिंता, न समय पर खाना, न जरूरत जितनी, शरीर को जितनी जरूरत उतनी नींद प्राप्त होना, मगर हमेशा हंसते हुए ड्यूटी पर लगे रहना। मगर हमें पुलिस को देखने के नजरिए में बदलाव लाने की जरूरत है। मित्रों, जिस बल ने आज तक 34,000 से ज्यादा जवान अपने जान का बलिदान दिया देश के लिए, उस बल को देखने का नजरिया जनता का बदलने की जरूरत है। और इसीलिए ये बदलाव के लिए मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का एक निर्माण किया, और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के साथ साथ अब इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। वहां पर देश भर के पुलिस कर्मियों ने जो देश के लिए काम करते करते शहादत दी है, इनके किस्सों को डिजिटाइज कर रखा गया है, इस पर फिल्म बनाई गई है, और ये सभी जवानों की तिथियां शहीदगी की और नामों का भी वहां पर एक सूची रखा है। मैं आप सबको और एक कार्यक्रम के माध्यम से कर्नाटक की सभी जनता को विनती करने आया हूं कि दिल्ली जाइए, तब निश्चित रूप से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर जाकर 5 मिनट हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देने का काम आप जरूर करिए। मुझे लगता है इससे देश भर की पुलिस फोर्स की मनोबल बढ़ेगा, जनता के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा, और संवेदनशीलता जो जनता के प्रति उनकी है वो और बड़ी मात्रा में बढ़ेगी। मित्रों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो आरएएफ यहाँ पर बंदा है, वो भी यहाँ पर एक जनता को जोड़ने का एक बहुत बड़ा साधन बन जाए। यहाँ पर खेल कूद के लिए जिले भर के बच्चे आए, अलग अलग स्पर्धाएं हो, यहाँ पिकनिक हो, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय जो बनेगा इसका ज्यादा से ज्यादा बच्चा लाभ ले पाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था यहाँ हो, वो तभी संभव है जब यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि आरएएफ के साथ संकलन कर जनता को जोड़ने का काम किए। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभी अभी ही संसद के अंदर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपने आप में पूरी दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी है जो फोरेंसिक साइंस पर ही विद्यार्थियों को पढ़ाएगी और इसको एक्सपर्ट कर देश के फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। इसी प्रकार से जो बचपन से स्वप्न देखते हैं, मुझे सुरक्षा के जुड़े हुए कामों में जुड़ना है, उसकी विशिष्ट ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बनाई है। मैं श्रीमान येदुरप्पा जी को अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक के अंदर जल्द से जल्द ये दोनों यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड कॉलेज को शुरू करें, जिससे कर्नाटक के बच्चों को भी फॉरेंसिक साइंस और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के क्षेत्र के अंदर एडमिशन लेकर देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का बहुत बड़ा मौका मिल जाए। मित्रों, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर सुधार के लिए भी बहुत सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
मैं थोड़ा लेट चल रहा हूं, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, मगर पूरे देश के पुलिस आधुनिकरण के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए का आवंटन मोदी जी ने किया है। आरएएफ के 15 बटालियनों ने भी कई सारे शहर और गांव के लिए एक विशेष अभियान चलाकर ये पेड़ों को बोने का काम किया है। पुलिस कर्मियों के लिए आवास योजना के तहत लगभग 3000 करोड़ की लागत से 13000 घरों का निर्माण, 113 बैरकों का निर्माण भारत सरकार ने किया है। मैं मानता हूं आजादी के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो इस विषय पर, पुलिस हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो पर अगर कोई एक सरकार ने दी है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। मित्रों, हमारे सुरक्षा बल के पुलिस कल्याण भंडार, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार चलते हमने एक निर्णय किया है कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के अंदर अब से सिर्फ स्वदेशी चीजें ही मिल पाएगी, जो भारत में बना है वो ही मिल पाएगी। और मोदी जी ने जो लोकल फॉर वोकल इसका नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, मित्रों अगर 130 करोड़ भारतवासी तय कर दे तो हम इसी चीजों का उपयोग करेंगे जो भारत में बनी है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर की इकोनॉमी बनते हुए हमें कोई नहीं रोक सकता और विश्व का सबसे बड़ा बाजार बनते हुए भी हमें कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, उत्पादन यहां पर होना चाहिए, हमारे युवाओं को इसकी, हमारा जो कंजम्पशन है इसका फायदा मिलना चाहिए, उनको रोजगारी मिलनी चाहिए, इसीलिए ये आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। मैं आज आप सभी को भी अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के नारे से आप जुड़िए और इसके साथ अपने आप को देश की एक सेवा करने का मौका भी लीजिए। मित्रों, आरएएफ के जवान हो या सीआरपीएफ के जवान हो, हमारे सशस्त्र बलों के जवान हो, जब शहीद होते हैं तब उनके परिवारों की चिंता के लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और ये उनको एक मुश्त राशि वहां पर से ही दी जाती है। इसके साथ साथ अक्षय कुमार के सहयोग से हमने भारत के वीर ट्रस्ट का भी निर्माण किया है जिसके अंदर जनता डोनेशन देती है और 15 लाख रुपया अलग से देते हैं, तो हर जवान को शहीद होते ही जो पेंशन वगैरह मिलेगा वो तो अलग से हर महीना, परंतु इसके साथ साथ उसको एक 50 लाख से ज्यादा राशि, ये दोनों मिलाकर जनों के अकाउंट में पहुंचे, इस प्रकार की हमने व्यवस्था करी है। मित्रों, मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र के अंदर प्रगति कर रहा है, कोरोना जैसी विनाशक महामारी में से भी हम सफलतापूर्वक बाहर निकले हैं और आज टीकाकरण की शुरुआत हुई है, कुछ ही महीनों के अंदर ये टीकाकरण पूर्ण होगा और हमारा देश पूर्ण रूप से कोरोना महामारी से मुक्त होकर फिर से द्रुत गति से, स्पीड से, तेज गति से विकास की ओर पर दौड़ने लग जाएगा। मुझे भरोसा है मित्रों, आइए हम सब मिलकर मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का एक स्वप्न को साकार करें और यहाँ पर जो सारे भवन बन रहे हैं, मैं आरएएफ और सीआरपीएफ को भी जवानों को कहूंगा कि ईंट और सीमेंट के बने हुए भवन कभी उद्देश्यों को सब पूरा नहीं करते हैं, भवन के अंदर जो आपकी भावना होगी वो ही उद्देश्य को पूरा करती है, तो आप भी लोगों के साथ जुड़कर, लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखकर ये भवनों के अंदर लोगों और लोग भी जुड़े, ऐसा ही यहाँ पर 97वां बटालियन हो। फिर से सभी सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।